आई एम डन विद माई नाश्ता। ओके जी, बाकी जी हम लोग फ्रेश हो चुके हैं और अभी मैंने ना एक पार्सल भेजना है जो कि है ब्राइडल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, तो आज का ट्यूटोरियल होगा हाउ टू मेक अ ब्राइडल कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपके पास ग्लू लिक्विड में अवेलेबल हो, ग्लू गन मैं प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पर्सनली यूज़ की हुई है, वो अच्छी नहीं लगती। नॉर्मली मैं पहले यूज़ मेरे पास ये नहीं था, मैं सीजर के साथ ही कटिंग करती थी। इतना मर्जी आप उसको पेंसिल के साथ मैयर करके स्केल के साथ लगा लो, इतना एक्यूरेट आप कभी कटिंग नहीं कर सकते। जी, तो हमारा ब्राइडल कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आप लोगों के सामने बनाया था, किस तरह बनाते हैं सारा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दिया है। ये है जी इसकी फुल लुक। नीचे भी मैंने इसको पल्स इस तरह से लगाया है। ठीक हो गया जी, तो ब्राइडल कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारा कम्प्लीट हो चुका है। और ये जी मेरा जो था पार्सल, ये आया था क्रिस्टियन डायोर का बैग है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी निमी एंड वेलकम बैक टू निमीज व्लॉग। तो जी आप सुबह सुबह जी मेरे हाथ में देख रहे हैं ग्लास और साथ स्ट्रॉ क्यों है, क्योंकि मैंने ना पानी में एप्पल से डर भी नहीं कर डाल के पिया है, तो वो ना ज़रा डायरेक्ट पीने से ना आपको पिया नहीं जाता, मतलब इस सेंस में। तो अगर आप स्ट्रॉ के साथ पीते हैं ना, तो आपसे स्ट्रॉ जो है ना वो अपने गले में रखना है और उसको एकदम में घटाघट कर जाना है, तो आपको बुरा फील नहीं होगा। ठीक हो गया जी, बाकी जी चाय हमारी डन हो चुकी है, रेडी हो रही है और आप लोगों का वेलकम हो गया जी एक न्यू व्लॉग में। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आ रहा है सब्सक्राइब का बटन, तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर रोज़ आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन लाजमी जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करें। ठीक है जी, तो अभी जी मैं नाश्ता बना लूं और फिर मिलती हूँ। आई एम डन विद माई नाश्ता, नाश्ता करने के बाद मिलती हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो अभी का सीन क्या है कि बाहर गर्मी शदीद है, एक ही बादल नज़र आ रहा है जिसने बरसना बिल्कुल भी नहीं है। इतनी ज़्यादा शिद्दत की गर्मी है यहाँ पे, बल्कि मैंने ना मोटर वगैरह चलाई है और मैंने कहा बच्चों के लिए ना बाहर पानी वगैरह जो है ना सेन में फेंको, तो बहुत बुरा हाल है इन जानवरों का, ज़्यादा बुरा हाल है। वो देखिए वो वहाँ पे लेटी हुई है, सांस ले रहे, सांस बहुत मुश्किल से ले रहे हैं ये लोग ना, मैंने अभी फील किया था। ठीक है, तो अभी वो नीचे चली गई है, अभी इस एरिया को ठंडा कर देते हैं क्योंकि इस टाइम पर आके यहाँ पे बैठते हैं, फ़ैन वगैरह चला देते हैं। जी मैंने ठंडा ठंडा कर दिया सेन को, और बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अभी ना मुझे काम है, मुझे ना पार्सल डिस्पैच करना है एक, तो मैं ना इस रूम में आई हूँ क्योंकि इतनी धूप में तो मैं बिल्कुल भी ना हूँ क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट धूप पड़ रही होती है। ठीक हो गया जी, बाकी जी हम लोग फ्रेश हो चुके हैं और अभी मैंने ना एक पार्सल भेजना है जो कि है ब्राइडल कॉन्ट्रैक्ट, उसको मैंने आज कंप्लीट करना है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लाइंट ने कहा था कि उनको चाहिए 23rd को, आज है जी 22nd, तो वो भेजना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो अभी ना मैं सारी चीज़ें बाहर निकाल लूँ और फिर मिलती हूँ आपको। अच्छा जी, तो मैं सारी चीज़ें जो हैं वो सामने ऑर्गेनाइज़ कर चुकी हूँ, वीडियो लगी हुई थी यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे बट फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था जिसकी वजह से वीडियो स्टॉप हो गई, और अभी मैं जी कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगी हूँ। ठीक है जी, तो आज का ट्यूटोरियल होगा हाउ टू मेक अ ब्राइडल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें सेट करके रखी हुई थी, अब मैं उनको सबको हटा रही थी और अब मुझे एक वाइट चार्ट पेपर चाहिए था जिसको मैंने मैयर करना था ब्राइडल कॉन्ट्रैक्ट के साथ के इस पर कितनी लेंथ पर आएगा। एक चार्ट पेपर हम यहाँ से लेंगे और बाकी सबको वैसे ही रबर बैंड चढ़ा दूंगी ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है जी, तो उस चार्ट पेपर की लेंथ के अकॉर्डिंगली आपने बनाना है इसको। आपने पहले ये फोल्ड हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको टर्न वैसे पहले किया हुआ था,
बाकी इस तरह मैंने इसको मैयर कर लिया है कि इसकी लेंथ काफ़ी लंबी है। तो आपने इसे सीज़र से ही कटिंग कर लेना है, सीधा लाइन ड्रॉ करके कि इसको आपको कितनी कटिंग चाहिए, ठीक है। ये आपके अपने लिहाज से होता है। और ये जो पेपर है ब्राइडल कॉन्ट्रैक्ट का, नॉर्मल पेपर नहीं है, कार्डबोर्ड वाला पेपर है। मेरे पास यहाँ पर पेपर कटर है, मैं पेपर कटर की मदद से इसे 1 इंचज़ के अकॉर्डिंगली कटिंग कर लूँगी इस तरह से। आपके पास अगर सीज़र है तो आप सीज़र से ही कटिंग करें, आपको नहीं ज़रूरत इस चीज़ की। बट अगर किसी के पास अवेलेबल है, इससे थोड़ा सा एक्यूरेट कटिंग हो जाता है और थोड़ी ज़्यादा नीटनेस आ जाती है। ठीक हो गया जी, ये इतना सा 1 इंच मैंने निकाल दिया है। अब जी सेकंड पेपर है, उसको भी नीचे से मैं वैसे ही कटिंग करूँगी और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग करूँगी। 1.5 आई थिंक मैंने यहाँ से कटिंग किया था, क्योंकि ना पेपर बहुत ज़्यादा चार्ट पेपर से ज़्यादा बड़ा था। ठीक हो गया जी, ये दोनों मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर अगेन से इसको सेट करूँगी, ये बार बार फोल्ड हो रहा था तो इसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। और इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, यानी जितनी इसकी लेंथ है ना चार्ट पेपर की, उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको ना कटिंग किया है। फिर भी मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था यहाँ पर, ये देखें जब मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ ऊपर नीचे रख के, तो ये थोड़ा सा ना फील हो रहा था। ये जहाँ से आपको ये चार्ट पेपर का जॉइंट नज़र आ रहा है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैंने थोड़ा सा और कटिंग कर लिया ताकि वो जो है ना लेंथ बिल्कुल एक्यूरेट आए और बाद में वो बुरा ना लगे। ठीक हो गया जी, अब मैंने इसे 1/2 इंच और कटिंग किया है। अब हम इसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। यहाँ पे मैं लूँगी UHU। अब मैंने इसे ऊपर नीचे रख के देखा है, ये बिल्कुल इक्वल है। अब ये देखें, दोनों जहाँ पे जुड़े हैं वहाँ पे एक जॉइंट आ रहा है। इसको भी ख़त्म करने का मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी आज, ठीक है जी। अब मुझे फिर और थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, मैंने सीज़र से ही डायरेक्ट कटिंग कर लिया, क्योंकि वो बार बार उस कटिंग वाली मशीन को मैं सीधा करती थी तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। ठीक है जी, यहाँ पे UHU मैंने निकाली है और UHU के साथ जोड़ना है। यहाँ पे मैं ग्लू गन यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि ग्लू गन यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहती, ना ही उससे इतनी ज़्यादा नीटनेस आती है। ठीक हो गया जी, ये हम लोगों ने इधर अटैच कर दिया, ठीक है। नीचे वाला पार्ट अटैच इसलिए किया है क्योंकि मुझे ऊपर वाले की लेयर उसके ऊपर लेकर आनी थी। अब मैं सेकंड वाला पार्ट इसके ऊपर बिल्कुल इक्वल जो है ना, उसके साइड के अकॉर्डिंगली उसको जोड़ दूंगी। यहाँ पर भी मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा बड़ा है पेज से, तो इसको थोड़ा सा ना हम कटिंग कर लें, ठीक है जी। तो इसे मैंने 1/2 से भी कम 1/2 इंचज़ में मैंने कटिंग किया है और अभी इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। ये ग्लू गन आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी अगर आप बना रहे हैं। आप ग्लू कोई भी स्टिक को यूज़ कर सकते हो, UHU यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास ग्लू लिक्विड में अवेलेबल हो। ग्लू गन मैं प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पर्सनली यूज़ की हुई है, वो अच्छी नहीं लगती, ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसको इसके ऊपर इक्वली स्टिक कर दिया है और इसके बाद अब हम इसे साइड से कटिंग कर लेंगे। पहले इधर से इस तरह से हम इस पर लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल के साथ और फिर उसको कटिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके ज़्यादा अच्छी कटिंग आती है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आपने लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद इसको कटिंग करना है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप बताती नहीं है कि आप किस तरह से कोई चीज़ बनाती हैं, अब हमें बताएं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ही यही शुरू किया है कि मैं अपनी जो चीज़ बनाऊंगी वो मैं कैमरे के सामने दिखाऊंगी कि ये इस तरह से बनती है। ये जी आपका ब्राइडल कॉन्ट्रैक्ट रफ़ फॉर्म में रेडी हो चुका है। अब आपको ज़रूरत है जी गोल्डन चार्ट पेपर की, आपने इसकी स्ट्रिप्स कटिंग करनी है, ठीक है। इन स्ट्रिप्स को हमने उसके ऊपर लगाना है। मेरे पास ये 2 चार्ट पेपर्स थे, एक मैं लूँगी यहाँ से और इसको मैं 4 पीसेज में कटिंग कर लूँगी। एक पीस को इस तरह से, मतलब एक पहले फोल्ड किया है, इसको अब मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी, ठीक है, सीधा करके, और फिर इसको सेकंड फोल्ड करेंगे। इसे मिरर शीट कहते हैं, गोल्डन मिरर शीट आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी, किसी भी स्टेशनरी शॉप से आप इसे बाय कर सकते हैं। और इसको फिर जी हमने सेकेंड फोल्ड किया है और यहाँ से हम इसको 4 पीसेज में कटिंग कर लेंगे। 4 पीसेज में कटिंग करने का मकसद जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसे क्यों किया है, ठीक है। और अभी जो है ना मैंने इसकी स्ट्रिप्स कटिंग करनी है, तो यहाँ पर मैं इसे बिल्कुल 1/2 इंच के ऊपर रख के इसके स्ट्रिप्स कटिंग करूँगी, ठीक है। मेरे इसे 4 पीसेज में इसलिए कटिंग किया है क्योंकि पूरा चार्ट पेपर इस मशीन के अंदर नहीं आता। तो जी मैंने इसको 4 पीसेज में कटिंग किया। अब ये देखिए 1/2 इंचज़ की एक स्ट्रिप मैंने कटिंग कर लिया है। मेयरमेंट्स जो हैं वो इस मशीन के ऊपर सारी लिखी हुई हैं, आपने बस उसको उसके इक्वल रखना है, ठीक है। सेकेंड स्ट्रिप भी ऐसे ही कटिंग की, फिर मैंने थर्ड वाली की और फोर्थ वाली। आपने किस मेयरमेंट से करनी है
मैंने तो इसी मेयरमेंट से किया है, मैंने इसके बाद काउंट किया कि मैंने कहाँ कहाँ पर लगानी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने उसके ऊपर रख के भी देखा कि साइज़ इक्वल है कि नहीं। ठीक है, इस तरह से आपने, मैंने तो यहाँ पर 14 कटिंग की हैं, और आपको अपने लिहाज से जितनी चाहिए होंगी आपने उतनी कटिंग करनी है। इसके साथ मैं तो प्रेफर करूँगी इसी चीज़ को, क्योंकि इसके साथ बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सीधा कटिंग होता है। अगर नॉर्मली मैं पहले यूज़, मेरे पास ये नहीं था, मैं सीज़र के साथ ही कटिंग करती थी। जितना मर्ज़ी आप उसको पेंसिल के साथ मैयर करके स्केल के साथ लगा लो, इतना एक्यूरेट आप कभी कटिंग नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब आपने एक स्ट्रिप लेनी है और ये देखें, जैसे वो जॉइंट था उस जॉइंट के ऊपर मैं इस तरह से लगाऊंगी। मैंने इसे मैयर किया कि कितनी चाहिए, और फिर मैंने उसे ना टोटल कितनी लाइंस हैं, 9 लाइंस थी, मैंने लाइन स्ट्रिप्स इकट्ठी की और ये वाली इसके ऊपर रखी, और इन सबको इक्वली कटिंग कर लिया जितनी जितनी ये मुझे चाहिए थी। ठीक हो गया जी, अब मेरे पास 9 स्ट्रिप्स हैं। अब इनको मैं बारी बारी करके एक एक करके, आपने इधर भी UHU ही यूज़ करनी है और कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपने ये अप्लाई कर दिए। मैंने एक अप्लाई की और उसके बाद फिर ग्लू जो है ना बार बार निकलती जा रही थी, मैं उसे फिंगर के साथ भी अप्लाई कर रही थी। बट आपने कोशिश करनी है कि ये वाली फिंगर्स आपके सामने वाइट ब्राइडल कॉन्ट्रैक्ट पर ना लगें। उसका मकसद ये होता है क्योंकि ये जहाँ पे लग जाती हैं वहाँ से ब्लैक कर देती हैं, तो आपका नीट नहीं आएगा। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपने इसको नीट बनाना है, आपके हाथ वहाँ पर ना लगें। ठीक है जी, ये मैंने 3, 4 और ये 5, और उसके बाद आपने सारी अप्लाई करते जाना है। इसका इक्वल साइज़ मैंने क्या रखा है कि मैंने हर लाइन के बाद एक स्ट्रिप ऐड करनी है, ब्राइडल कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग के बाद नहीं ऐड की, और लास्ट 8th वाली लाइन के बाद भी ऐड नहीं की। ठीक है, अब आपने इसको कटिंग नहीं था करना, जो पहले वाली स्ट्रिप्स थी, बाकी जितनी स्ट्रिप्स बच गई आपने उसको सीधा सीधा जो है साइड्स पर अप्लाई कर देना है इस तरह से। ठीक है, मैंने आपके सामने बनाया है, कहीं पे कोई जॉइंट नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पे जॉइंट नज़र आना था वहाँ पे मैंने गोल्डन स्ट्रिप अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास जी कुछ फ्लावर्स हैं और कुछ लीव्स हैं। ये वाले फ्लावर्स ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किए थे, और एक ये लीव्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाले कॉर्नर्स हैं जिनको मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। ये सारा कुछ लेज़र कटिंग में भी होता है, और एक और चीज़ होती है उसमें भी कटिंग हो जाता है, तो ये मैं वैसे ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ ब्राइडल कॉन्ट्रैक्ट में मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ। ठीक है जी, इन दोनों को भी मैंने UHU के साथ अप्लाई करके यहाँ पर लगा दिया है। सेकेंड जी, अब मेरे पास ये एक फ्लावर की जो बेल थी, इसको मैं एक कॉर्नर पर लगाऊंगी इस तरह से, और उसके आगे जी हम लीव्स लगा देंगे। एक लीव है इस तरह से, ये कुछ ही कटआउट्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और इसके अलावा कोई ज़्यादा नहीं है, जो कि सिर्फ ब्राइडल कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ करती हूँ क्लाइंट्स की हेल्प के लिए कि उनको चाहिए होता है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जी छोटे वाले पर्ल्स हैं जिन्हें कट मोती कहते हैं, और ये हाफ कट होता है और हाफ से गोल होता है। ठीक है, इसको मैं ग्लूगन के साथ लगाऊंगी, UHU यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि सही तरह स्टिक ग्लूगन से ही हो गई है। यहाँ पे ग्लूगन ख़त्म हो गई थी, मैंने न्यू ऐड की, और उसके बाद आपने ये पल्स अटैच करने हैं। अब ये करने कहाँ पे हैं, जहाँ पे मैंने लाइन लगाई हुई है ना, वहाँ वहाँ पर आपने दोनों साइड्स पर ऐड करने हैं। ठीक है, इससे थोड़ी और ज़्यादा नीट लुक आ जाती है। यहाँ पे मैंने आहिस्ता आहिस्ता, अब बहुत ध्यान से यहाँ पे आपने ग्लू गन यूज़ करनी है, क्योंकि मोती जो है ये बहुत ज़्यादा बारीक होता है, और हाथ पे ग्लू गन लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है। ठीक है जी, ये हम लोगों ने एक साइड पर अप्लाई कर दिए हैं, और सेकंड लाइन भी मैंने अप्लाई कर दिया है। इसके बाद आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, डिज़ाइनिंग तो आपने अपने लिहाज से करनी होती है किसी भी चीज़ की, तो आप उसे अपने लिहाज से जहाँ मर्ज़ी यूज़ कर लें। ये हमारे अप्लाई हो गया। इसके बाद मेरे पास ये गोल्डन बादाम है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, पेंस में भी मैं यूज़ करती हूँ, ये मैं 4 कॉर्नर्स पर यूज़ करूँगी। ठीक है, ताकि नीट लुक आए, कहीं पे भी अगर कोई जॉइंट मिला हुआ नज़र आ रहा है तो वो थोड़ा सा नीट हो जाए। ठीक है, तो हम इसे 4 कॉर्नर्स पर अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद जी ये मैं अप्लाई कर लूँ, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, ये हमने अप्लाई कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने वाइट जो पर्ल्स हैं ना छोटे छोटे, वो मैं फ्लावर्स के ऊपर भी ऐड कर देती हूँ, ताकि उससे थोड़ा और ज़्यादा लुक इनहेंस हो जाती है। ठीक है, ये मैंने 4 जो है इस तरह से अप्लाई कर दिए हैं। बस ये हमारा ब्राइडल कॉन्ट्रैक्ट है कंप्लीट हो चुका है जी। तो हमारा ब्राइडल कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आप लोगों के सामने बनाया था, किस तरह बनाते हैं सारा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दिया है। ये है जी इसकी फुल लुक, नीचे भी मैंने इसको पर्ल्स इस तरह से लगाए हैं। ठीक हो गया जी, और ये इसकी फुल लुक है। और आज जी
बहुत बुरा हाल है गर्मी से, इतना ज़्यादा पसीना आया हुआ है ना कि पूरे पूरे हाथ भरे हुए हैं। ठीक है, हालांकि फ़ैन भी चलाया हुआ था लेकिन फिर भी जो है ना कंडीशन बहुत बुरी है, आज की गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, तो हमारा सिर्फ आज यही जाना है और जी, तो इसको मैं करने लगी हूँ पैक, और पैक करते हैं और इसे फ़ौरन से डिस्पैच करेंगे। ठीक है, आज मगरिब से पहले कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लेमिनेशन के अंदर इसको कवर कर दिया। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप इसे स्ट्रेट किस तरह से भेज देती हैं, तो वो इस तरह से भेजती हूँ कि आपने डायरेक्ट इसे कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड ऊपर लगाना है और एक नीचे लगाना है, और ये कोशिश करनी है कि ये फोल्ड ना हो। ठीक है, बस इसको इस तरह से ही भेजना होता है। इसको कोई बबल शीट नहीं लगती, कोई कुछ नहीं लगता, सिर्फ इसको डायरेक्ट हम लोगों ने इस तरह से पैक करना होता है। आंटी को मैंने नहीं था बुलाया, मैंने खुद ही पैक कर लिया। मैंने कहा इतना सा तो काम है, एक ही पार्सल है। तो ब्राइडल कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और भी जो है ना मैं उस रूम में जा रही हूँ क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। ये पार्सल लेके जा रही हूँ साथ, ताकि इसको जो है ना अली को दूँ ताकि वो डिस्पैच करे। अभी तो पार्सल जी वो पड़ा हुआ है, अभी तक अली ने डिस्पैच नहीं किया है, और मेरे लाहौर के कुछ काम रहते थे और फाइल्स वगैरह बनाने वाली रहती थी, तो वो मैं ना अभी लैपटॉप खोल के बैठी हूँ और वो बनाने लगी हूँ। ठीक है जी, तो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उन्हीं को सिर्फ सेंड करूँगी, और बाकी जो काम है ना वो तो कल देखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इंपॉर्टेंट काम कर लूँ फिर मैं। अच्छा जी, तो ये मेरा एक पार्सल आया है कॉल कुरियर की तरफ से। ठीक है जी, तो इस पार्सल को ओपन करते हैं और देखती हूँ कि क्या आया, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये जी मेरा जो था पार्सल, ये आया था क्रिस्टियन डायोर का बैग है। ठीक है, और कैमरा में बहुत बड़ा लग रहा है बट इतना बड़ा है नहीं, और इसके अंदर कुछ ये स्पेस है। ठीक हो गया जी, तो मैंने इसको मंगवाया था लैपटॉप के लिए मोस्टली। ठीक है, तो ये जी इसकी कुछ लुक है, और ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है जाहिर सी बात है, एक दिन इंशाल्लाह ओरिजिनल भी लेंगे। और फिलहाल जो है ना मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँ लैपटॉप पे, तो फिर मिलती हूँ। अच्छा जी, तो पार्सल जी चला गया था और मेरा पार्सल लेकर आया था वो मैंने आप लोगों को दिखाया भी है। चुटकियाँ पता नहीं क्यों बजी जा रही हैं। खैर, अभी मैं सामने वाले रूम में जाने लगी थी क्योंकि ना वहाँ पे कीड़ियाँ आ जानी थी। कीड़ियाँ कहाँ पर आनी थी, मैंने ना एक जगह पे बिस्किट खुला छोड़ दिया था, यहाँ पे जी आई तो नहीं है, नहीं आई। ठीक है जी, तो ये मैंने खुला छोड़ दिया था, मुझे याद था कि मैंने इसको कवर करना है। बाकी ब्लॉग को जी एंड करना है, उम्मीद करती हूँ, एक मिनट ज़रा, उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाजमी लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देनी चाह रहा है, साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। और मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।